बात रावलपिंडी शहर की हवेलियों की हो तो सबसे पहले लाल हवेली जहन में आती है। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हम इस वक्त लाल हवेली पे मौजूद हैं। लाल हवेली बाहर से तो हम सब ने देख रखी है, लेकिन आइए आज आपको इसके अंदर का नज़ारा भी कराते हैं। लाल हवेली का शुमार रावलपिंडी की अहम और तारीखी इमारतों में होता है। ये हवेली 100 साल से ज़ायद अरसा पुरानी है, जो शहर के मशहूर बोहड़ बाजार में मौजूद है। इसका नाम सैगल हवेली था, लेकिन इमारत के सुर्ख रंग की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे लाल हवेली पुकारने लगे। रिवायात हैं कि ये लाल हवेली मोहब्बत की अलामत हुआ करती थी। इस हवेली को जेहलम से ताल्लुक रखने वाले एक हिंदू राज सहगल ने सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली एक रकासा बुधाबाई के लिए तामीर किया था। लाल हवेली से मोहब्बत की पुरसरार और लाजवाल कहानी जुड़ी है। राज सैगल और बुधाबाई की इस दास्तान ने सैगल हवेली को जिनों वाली हवेली बना दिया। 100 बरस बीत चुके हैं, लेकिन मोहब्बत की अधूरी दास्तान मरकर भी जिंदा है। 1947 में बरसगीर की तकसीम से मोहब्बत भी तकसीम हो गई और राज सैगल को हिंदुस्तान जाना पड़ा, लेकिन बुधाबाई यहीं रह गईं। रावलपिंडी की एक पहचान शेख रशीद और लाल हवेली भी है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी सियासतदान की रिहाइश गाह की भी अपनी कोई मुनफरिद पहचान है तो वो लाल हवेली वाले शेख रशीद की है। व्यूअर्स, रावलपिंडी शहर और लाल हवेली की बात हो लेकिन शेख रशीद अहमद का जिक्र ना आए, इस तरह तो बात अधूरी रह जाएगी। शेख रशीद की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, लेकिन अभी हम उनसे सियासी, हुकूमती और उनकी वजारत के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हम उनसे सिर्फ ये जानेंगे कि लाल हवेली का और शेख रशीद अहमद का क्या ताल्लुक है। लाल हवेली यहाँ बुधाबाई का घर था और हमने को लिया 20 साल पहले या उससे भी कम हुए होंगे। ये हम पॉलिटिकली यहाँ हमारा पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है और इस वक्त रावलपिंडी में ये पुरानी इमारतों में शामिल है। इसे हमने वेमेन यूनिवर्सिटी को दिया है। इसके जो दूसरी सजान सिंह की यूनिवर्सिटी है वो हवेली है, वो भी हमने दे दी है वेमेन यूनिवर्सिटी को। और एक यूनिवर्सिटी हमारी और मंजूर हो गई है, इंशाल्लाह रावलपिंडी में एजुकेशन का एक तूफ़ान और समंदर होगा और हमारी बेटियाँ बहुत अच्छे तरीके और सलीके से पढ़ेंगी। तकरीबन 70 साल तो हो गए हमें, 3-4 साल की उम्र थी जब लगाने शुरू की है। अब तकरीबन 72-73 साल उम्र। लाल हवेली कब से देख रहे हैं? लाल हवेली तो उसके बाद बनी है, मैं 84 में बनी है, उससे पहले कोई
और लेडीज़ थी, बीबी बुद्धा उसका नाम था, वो इधर रहती थी। शुरू से तकरीबन लाल था, मिट्टी रंग था, मिट्टी के रंग था। हाँ, तो अब फिर बाद में शेख साहब ने लाल हवेली बना दी। रंग की वजह से इसका नाम लाल हवेली रखा गया। हाँ, शेख साहब ने जब लिया ना, फिर उन्होंने लाल हवेली नाम रख दिया। उससे पहले लाल हवेली नाम नहीं था। पहले वक्तों में इधर जो मुसाफिर लोग आते थे, इधर रहते थे वो, फिर एक दिन दो दिन चार दिन रह के चले जाते थे। फिर आस्ता आस्ता मुकीमी लोग आए, 16 घर थे यहाँ पे, तो आस्ता आस्ता फिर वो बाद में बेच बिठा के इधर से जगह चले गए। अब स्टोर बने हैं, ज़्यादा 3-4 घर रह गए, बाकी सब स्टोर हैं। हमने जिन्नात के बारे में कुछ नहीं देखा, ऊपर लाल हवेली में सुनते रहे हैं, लेकिन नीचे हमने कभी कुछ नहीं देखा। अब शेख साहब ने TV में एक दो बार बात की है, लेकिन इधर नीचे कुछ नहीं ऐसा। लाल हवेली के बारे में मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ हवेली में शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो इनसे बात करते हैं। राशिद साहब, ये बताएं कि इस लाल हवेली के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमने सुन रखी है, पढ़ रखी है, लेकिन हम उसको हतमी नहीं समझते। हतमी उसी को समझते हैं जो यहाँ हवेली के रहने वाले हमें बताएंगे इसके बारे में। तो आप बताएँ कि इस हवेली से आपका इंटरेक्शन कब शुरू हुआ और इसकी क्या हिस्ट्री है? इसकी हिस्ट्री ये है जी कि इस लाल हवेली की बैक साइड में गली में हमारा अबाई घर था, जहाँ पे मेरी दादी मरूमा और दादा थे, और हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जब 1985 में शेख रशीद अहमद साहब पहली दफ़ा MNA मुंतखब हुए, तो दो एक साल उन्होंने साल सवा साल उस घर के नीचे अपना एक सेक्रेटरीट रखा। उन लोगों का काफ़ी आना जाना था, तो ये जो लाल हवेली थी बोर्ड बाज़ार में, जहाँ पर आप बैठे हुए इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर इसकी सीढ़ियों में जहाँ से आप ऊपर चढ़ गए हैं, यहाँ पर एक बाबा बुज़ुर्ग सा आदमी था, जो वो बैट से रिपेयर करता था, क्रिकेट के बैट। और इसकी हिस्ट्री हमारे लेने से पहले हिस्ट्री ये कि इस लाल हवेली को ख़रीदता कोई नहीं था, और क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री है कि इसके जो पहले जो वारिस थे, जो अभी तक तो जो महकमा कचहरी में जो इसका वारिस, जिसका एक नाम अभी भी चल रहा है, एक बिजली का बिल अभी भी हमें जो वसूल होता है वो बुधा माई के नाम से वसूल होता है, लेकिन ये लाल हवेली पहले मोहन सिंह और सोन सिंह दो भाई थे, उनकी मलकियत थी। और जब वो यहाँ से गए या फोत हो गए, उसके बाद ये जो बुधा माई एक तवायफ थी, उस तवायफ ने इस लाल हवेली को ख़रीदा। जो लाल हवेली की बालकोनी में शाम को बैठकर वो जो बाज़ार था वहाँ पर नीचे देखा करती थी, लोग उसको वहाँ से गुजरते हुए देखते, फिर काफ़ी अरसे तक बुधा माई की ये मलकियत रही। फिर बुधा माई का एक भाई था, जो इसी हाल में वो उसका मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद उसका पता नहीं चला कि उसको किसने कत्ल किया, और उसके मर्डर के बाद बुधा माई जो है वो पागल सी हो गई, और पागल होने के बाद वो इस लाल हवेली से नीचे उतर कर गली मोहल्लों में उसने भीख मांगना शुरू कर दी। फिर उसकी भी फोत, वो भी फोत हो गई, और फोत होने के बाद इस लाल हवेली को इसलिए नहीं लेता था कि लोग कहते थे इसके जिन्नात का साया है, दो तीन इस पर कत्ल हो चुके थे, और तवायफों का ये मशहूर था जी कि बुधा माई तवायफ यहाँ पर रहती थी। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब की ज़िंदगी से एक ख्वाहिश थी जो वो यहाँ से गुजरते थे कि वो इस लाल हवेली को यहाँ अपना पब्लिक सेक्रेटरीट बनाएंगे। तो 1987 में हैदर अली जो रावलपिंडी शहर के मेयर थे, उनकी तस्वीर भी ये सामने लगी है मरहूम, तो शेख रशीद अहमद साहब ने उनसे ये कहा कि आप जाके इस लाल हवेली की बात करें कि अगर ये लाल हवेली हमें मिल जाए तो हम अपना पब्लिक सेक्रेटरीट यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो 1987 में ये 5 मरले की लाल हवेली हमने उस वक्त 5 लाख रुपये की ख़रीदी, जो कि शेख रशीद अहमद साहब के भाई है, तो शेख साहब की, शेख सदीक साहब के नाम थी। उसके बाद इसको हमने अपना पब्लिक सेक्रेटरीट बनाया, और पब्लिक सेक्रेटरीट बनाने के बाद आज ये आपके सामने है। पाकिस्तान में एक ये एक अहम इमारत समझी जाती है, और सियासी निगाह से भी इसका एक मकाम है। लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें इस वक्त के मौजूद साहब का जितने हुक्मरान हैं, नवाज शरीफ से ले के अल्ताफ हुसैन से ले के नवाबजा नसरुल्ला से ले के पाकिस्तान में जितने भी दुनिया के एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने इस लाल हवेली को विज़िट किया है। हिंदुस्तान के जो लालू प्रसाद थे, जो रेलवे के वज़ीर थे, वो एक दिन अचानक मुशरफ के दौर में
यहाँ पर आ गए, उन्होंने कहा मैंने लाल हवेली को देखना है, तो उनको भी हम लाल हवेली की छत पर लेके गए और उन्होंने उनकी भी यादें कुछ यहाँ से वाबस्ता थी। ये इसकी हिस्ट्री है। अब ये पब्लिक सेक्रेटरीट है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों की खिदमत करते हैं हम यहाँ पर। तो कोई अंदाज़ा है कि कौन से साल में बनी ये हवेली? ये पाकिस्तान बनने से पहले की है जी, और ये मैंने आपको बताया कि सोन सिंह और मोहन सिंह, ये एक लाल हवेली है, ये मौजूद थी। ये एक इसके बैक साइड के ऊपर सजान सिंह की बिल्डिंग है, वो भी उनकी रिश्तेदारों की थी। फिर एक बाग सदारा जो स्कूल है वो भी उनकी को पुप्पी या रिलेटिव थी। फिर ये जो आप फारा चौक में जिसको आप कोतवाली कहते हैं वो भी इनके रिश्तेदारों की जगह थी। नए मोहल्ले में ये जो थे, जो हिस्ट्री बताती है कि वो उनके जानवर शानवर वगैरह बांधा करते थे, घोड़े छोड़े। लेकिन ये 3, 5, 6, 7 लोग थे जो लोग यहाँ पर रिश्तेदारी में थे। लेकिन मोहन सिंह सोन सिंह की ये मलकियत थी और वो उनका जो दफ्तर था वो फारा चौक के करीब था। वो सुबह वहाँ पर अपनी जो टांगा शांगा होता था उस पर बैठ के वो जाया करते थे। लेकिन पाकिस्तान से बनने की ये पहले की यहाँ पर। अच्छा, शेख साहब की सियासत का और लाल हवेली का एक गहरा ताल्लुक सा बन गया है, पहचान बन गई है हवेली। तो अभी शेख साहब ने बताया कि इस हवेली को भी यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा है, तो इसको आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं? इससे कोई शेख रशीद अहमद साहब ने शहर में एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया और शेख रशीद अहमद साहब के पास इस शहर में बड़ी तारीखी इमारतें थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सजान सिंह की बिल्डिंग, ये आप इसकी लाल हवेली की बैक साइड पर 5-6 मिनट अगर आप पैदल चलें तो वहाँ पर आ जाती है, वो भी शेख साहब ने फातिमा यूनिवर्सिटी को दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को यहाँ पर लाए, उनके हवाले की। अब वो NCA के पास है। एजुकेशन के हवाले से शेख साहब ने का ये ख्वाहिश है कि अगर रावलपिंडी शहर में कोई ऐसा बुरान या फुकदान पैदा हो जाए कि एजुकेशन के लिए कोई बिल्डिंग ना हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, मैं अपनी ज़िंदगी में ये लाल हवेली फातिमा यूनिवर्सिटी को डोनेट करके जाना चाहता हूँ। तो उनका ऐलान, उस ऐलान पर हम कायम हैं इंशाल्लाह ताला। इसका जो लाल रंग है, ये इसके लाल हवेली रखने के बाद किया गया या पहले से ही इसका यही रंग? ये इसको सारा शेख रशीद अहमद साहब ने अपने हाथ से डिज़ाइन किया जी। इसका रंग भी शेख रशीद अहमद साहब ने खुद सेलेक्ट किया, बिल्कुल सारी इसकी एक एक दर दीवार में शेख रशीद अहमद साहब की ज़ाती दिलचस्पी है। और अगर लाल हवेली की जो आज खूबसूरती है, जो लाल हवेली के अंदर या बाहर जो जितने भी आप चीज़ें देखते हैं, वो अब उनके पास टाइम नहीं है, आज से 10-15 साल से वो थोड़ा सा कम, लेकिन जब उन्होंने ख़रीदा इसको, हर एक एक कमरे को, अपने बेडरूम को, एक उन्होंने इसको तारीखी बिल्डिंग बनाया और उसमें उनकी बड़ी मेहनत शामिल है। अच्छा, कोई ऐसे पोर्शंस भी हैं हवेली के जो पुराने ही उसी तरह रखे गए हों? सारे उसी तरीके से हैं जी, मतलब कुछ रेनोवेशन ना की गई हो, उसी फॉर्म में रखे गए? उसी में है जी, बस ये थोड़ा सा रंग रुंग कर दिया, सोफे सोफे कर दिए, बाकी आप देखें उसी तरीके से सारी 100% लाल हवेली उसी तरीके से है, जिसमें कोई ऐसी। अच्छा, इर्द गिर्द और भी कोई इस तरह की इमारतें जिसको लाल हवेली के लेवल पर महफूज रखा गया हो, पुरानी बिल्डिंग्स जो तारीखी वरसा है रावलपिंडी का? मैंने बताया ना कि काफ़ी बिल्डिंग शहर के अंदर मौजूद थी हैं, लेकिन महकमा औकाफ उसमें दिलचस्पी नहीं लेता। और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इसको भी शेख रशीद अहमद साहब का वारिस समझा जाता था कि ये शेख रशीद अहमद साहब उसके वारिस हैं, जो उन्होंने NCA के हवाले की। और इस तरीके से बाग सदारा को वहाँ पर भी शेख साहब ने गर्ल्स कॉलेज और स्कूल बना दिया। अब ये कोतवाली था, वहाँ पर बना, जहाँ पुलिस का ऑफिस है वहाँ पर बनाने की ख्वाहिश रखते थे लेकिन नहीं बनाया। लेकिन जो जो इससे मलक्का इसके रिश्तेदारों की लोगों की बिल्डिंगें थी, वहाँ पर आपको बुलंद और बाला इमारतें कॉलेज और स्कूल की सूरत में नज़र आएंगी। मतलब इस हेरिटेज के लिए कोई काम नहीं किया गया इसको महफूज करने के लिए? नहीं, कोई नहीं, महकमा काफ तो बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर आप इसकी छत के ऊपर चढ़ के देखें, आपको कई ऐसे मंदिर नज़र आएंगे, कई ऐसी पुरानी बिल्डिंग, क्योंकि ये बापड़खाना है। बापड़खाना पाकिस्तान, बल्कि रावलपिंडी में पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर है। यहाँ पर लोगों के अभी भी वही छोटे छोटे हिंदुस्तान के वक्त के 2-2, 3-3 मरले के घर हैं, जिसके अंदर वो लकड़ियों के बाले से लगे हुए हैं, वही उनके दरवाजे हैं, वही उनके खिड़कियाँ हैं। लेकिन गुर्बत है, सुबह जो कमाते हैं रात को खाते हैं, वो अपने घर को इस तरीके से नहीं ठीक कर सके। ये तो महकमा काफ हुकूमत का काम है, उन्होंने इस तरफ दिलचस्पी नहीं ली। वो किराए तो वसूल करते हैं कि हमारा लाल हवेली के बिल्कुल साथ हमारे पास भी एक मंदिर था, वो डिमालिश हो चुका, हम उनको कई दफ़ा कहते हैं गिर गया कि आप इसको हमें बनाने की इजाज़त दें, वो नहीं देते इजाज़त। तो इस वजह से काफ़ी तारीखी जो बिल्डिंग है रावलपिंडी शहर की, उसका जो वजूद ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई जिन्नात और चुड़ैलों की भी कहानियाँ सुनने में आई, कुछ मीडिया पे सुना हम लोगों ने, और ये भी सुना कि कोई जो हवेली को ख़रीदता था वो मर जाता था, उसमें कितनी सदाकत है और ये क्या कहानी है इसके बीच? सदाकत ये है जी कि जो लाल हवेली के मुलाजमीन है, रात को वो उनसे मैं पूछता रहता हूँ, वो अक्सर कहते हैं कि कोई ऐसा जिन्नात का साया ज़रूर यहाँ पर है, लेकिन उसने कभी शेख रशीद अहमद साहब को तंग नहीं किया। और एक दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब मैं अपना बल्दियात का इलेक्शन चेयरमैन का लड़ रहा था, तो एक बुज़ुर्ग मेरे पास बैठे थे, मिर्ज़ा साहब, वो उठ के लाल हवेली के नीचे से बाहर भागे। मैं ये आपसे, मैंने कहा क्या हुआ मिर्ज़ा साहब? उन्होंने मुझे कहा देखें देखें ये कौन जा रहा है।
तो मैंने कहा, मैं आगे पीछे देखा तो मैंने कहा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी खूबसूरत सी औरत है, उसने तवायफ़ का लिबास पहना हुआ है और वो लाल हवेली के दरवाजे से नीचे से निकली और निकल गई। और रात को यहाँ पर कभी कभार जो है मुलाजमीन के मुताबिक घुंघरू की आवाज़ें आती हैं। कुर्सी एक दिन में एक दफ़ा मैं यहाँ पर खुश सोया हूँ इलेक्शन के दिनों में, उसके बाद नहीं मैं सो सका। मैं जिस कमरे सात वाले कमरे में सोया हूँ तो वहाँ की वो कुर्सी वही घुंघरू की आवाज़ें मैंने भी एक दफ़ा ज़िंदगी में सुनी। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब यहाँ पर उन्होंने बड़ा अपना टाइम गुजारा है, लेकिन कभी भी वो इन चीज़ों से नहीं घबराए और वो उनको ना कभी किसी ने तंग किया। लेकिन बहरहाल किसी ना किसी चीज़ का आप साया कह सकते हैं या कोई साया जो इस लाल हवेली के साल में इन दो तीन कमरों में मौजूद है, जो रात के वक्त अक्सर मुलाजमीन रात को 8-9 बजे के बाद इस कमरे में नहीं आते, सुबह ही वो आकर फिर इसको हम अपने मेहमानों के लिए खोलते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पहलू हो हवेली का जो आवाम ना जानती हो इसके बारे में और आपको लगता हो कि आवाम को बताना चाहिए? देखें जी, वहाँ लाल हवेली तो एक ऐसी है कि हर आवाम, कर्फ्यू जो रावलपिंडी शहर में लगा तो उस वक्त भी ये लाल हवेली खुली हुई थी लोगों की खिदमत के लिए। लाल हवेली का कोई ऐसा पहलू जो है वो छुपा हुआ नहीं है। आम आदमी की जो है उसको भी पता है कि लाल हवेली के कितने कमरे हैं, कितने हाल हैं। लोग बाहर से तो समझते हैं कि बहुत, मैं कौमी असम्बली में बैठता हूँ तो कई है मैंने मेरे से कहते हैं कि हमने लाल हवेली जाना। मैंने कहा, वो पूछते हैं शेख साहब कितने कनाला दिए, मैं उन्हें कहता हूँ जी 5 मरले की, कहते हैं जी 5 मरले की। मैंने कहा उसका फ्रंट बहुत बड़ा है, अगर आप अंदर जाएँ तो उसके पास 2 कमरे एक ये हाल है हमारा जो आप जिसमें आप बैठे हुए हैं। तो वो बड़े परेशान होते हैं कि 5 मरले की लाल हवेली को आपने इतना, लोग तो ये समझते हैं कनालों में होगी जो इसका फ्रंट देख के। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने लोगों से छिपाई हो और बस आपके सामने। जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग दूर दूर से शख्सियात इस हवेली को विज़िट करने आई हैं और यहाँ पर 13 अगस्त की रात को 14 अगस्त की जो मिडनाइट होती है उसमें एक आतिशबाजी का बहुत ही ग्रैंड किस्म का इवेंट यहाँ पर मुनक्किद किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी को देने से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जो लोग दूर से देखने आते हैं वो नहीं देख सकेंगे? देखें जी, शेख रशीद अहमद साहब इस लाल हवेली के बानी हैं, वारिस हैं और हमारी सियासत भी उनके सर पर। और अगर आज मैं जिस मकाम पर हूँ खुदा के बाद उनकी वजह से हूँ, तो जो उनका फ़ैसला होगा वो ख़ानदान के बड़े हैं, शहर के बड़े हैं, वो आखिरी फ़ैसला होगा। जिस दिन वो जो फ़ैसला कर लेंगे उस फैसले के पीछे हम लबैक कहेंगे, ना नहीं करेंगे। जी व्यूअर्स, जी हमने कुछ थोड़ी सी बात की और हवेली के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना शेख राशिद साहब से, और अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हवेली का एक मुख्तसर सा विज़िट करवा दें। जो आप इसमें देख सकते हैं लाल हवेली, ये वरासत जो बैठ कर चला था, ये हमने ये हाल है, ये हम अपनी मीटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, वो आलमी मीटिंग के लिए यूज करते हैं। लाल हवेली के लाजमी और भी ये मेन गैलरी लाल हवेली, यहाँ पर नवाज शरीफ से ले कर अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन के बाद नवाज रसूलुल्लाह, इमरान खान, माँ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को छोड़ के पाकिस्तान का कोई ऐसा जो सदर या जन और वज़ीर आज़म जो साबका अमीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात, परवेज़ अलाई, तमाम लोगों ने यहाँ से ख़ताब किया। और उसके अलावा ये जिस हाल से आप आई हैं, ये इसमें रावलपिंडी जो इस्लामाबाद के जितने एम्बेसडर दुनिया के हैं वो यहाँ पर आके शेख रशीद अहमद साहब को यहाँ पर उन सब 1-to-1 मुलाकात करते रहे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हिंदुस्तान के लालू प्रसाद थे, वो भी एक दिन यहाँ पर आए इस लाल हवेली को देखने के लिए मुशरफ के तौर पर, और उन्होंने छत को विज़िट किया और यहाँ की लाल हवेली की तरीकी इमारात, तरीकी चीज़ों को देखा। और यहाँ से 13 अगस्त की रात को भी शेख रशीद अहमद साहब अपना हर साल तकरीबन 20-25 साल से वो यहाँ पर ख़ताब कर रहे हैं आवाम से, और यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड बाज़ार और मोची बाज़ार आपको साफ नज़र आता है।